एब्सेंट होता है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग स्टार में क्या रहा था, फंक्शनल क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ आर। अब इसका यहाँ पे सफिक्स की बात करें हम, यहाँ पे इसका सफिक्स क्या था बताओ सब लोग, नॉर्मल सफिक्स पहले है। पॉइंट सही है, नॉर्मल सफिक्स क्या था इसका, ओएट, और स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट ये अब याद होना चाहिए। और स्पेशल सफिक्स हम लोग इंजन कहाँ पे यूज करते हैं, जब डायरेक्टली वो रिंग से कनेक्टेड हो। अब इसके लिए प्रीफिक्स की बात करें यहाँ पे, इसके लिए दो दो प्रीफिक्स है, मैं अलग से टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे इसके लिए। अब इसके लिए जो प्रीफिक्स था एस्टर के लिए वो क्या क्या था बताओ, अगर याद है सब लोगों को जल्दी से बताओ। अब प्रीफिक्स यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है, दो दो प्रीफिक्स था इसके लिए। पहला प्रीफिक्स था एक अल्काऑक्सी कार्बोनिल, और दोनों का अलग अलग यूज है यहाँ पे, अल्काऑक्सी कार्बोनिल। दूसरा क्या था, अल्केनॉयल ऑक्सी, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। सेकेंड वन क्या था, अल्केनॉयल ऑक्सी, अल्काऑक्सी कार्बोनिल एंड अल्केनॉयल ऑक्सी। और इसके जनरल नेम की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, इसका जनरल नेम क्या रहता है यहाँ पे, अल्काइल अल्केनोइड। देखेंगे इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे जनरल पैटर्न का, अल्काइल अल्केनोइड। इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो पहले यहाँ पे। सफिक्स क्या है, ओएट, स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलेट, प्रीफिक्स क्या आ रहा है तुम्हारा, अल्काऑक्सी कार्बोनिल या अल्केनॉयल ऑक्सी, दोनों का अलग यूज रहेगा देखेंगे अभी। जनरल नेम क्या रहता है इसका, अल्काइल अल्केनोइड, ये पैटर्न रहता है नेमिंग का, वो देखेंगे अभी एग्जांपल में। हाइड्रेट टेस्ट का सिलेबस तुम लोगों के ग्रुप में नहीं दिया गया अभी क्या, मैं चेक करता हूँ ग्रुप में कुछ बताया गया होगा तुम लोगों को। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का नहीं रहेगा, ऑर्गेनिक इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि दो बैचेज हैं यहाँ पे, एक और जो न्यू जे करके देखते हो टाइम टेबल में, या कुछ लोगों को पता होगा वहां पे न्यू जे में ऑर्गेनिक वाला पार्ट अभी बस दो ही लेक्चर हुआ है वहां पे, इसलिए वहां पे दो या तीन ऐसा कुछ हुआ, अभी बस बेसिक ही चल रहा है, तो सिर्फ उसमें फिजिकल का पोर्शन ज्यादा हुआ है, तो जो उसमें दिया गया है तुम्हारा उतना ही रहेगा, दैट मीन्स ऑर्गेनिक का पोर्शन टेस्ट में नहीं रहेगा हाइड्रेट टेस्ट में। दोनों का शायद कंबाइंड टेस्ट है, जो जे और तुम्हारा जो अर्ली जे है, बाकी तुम लोगों का जब सेपरेट लेक्चर होगा तो अलग से, कभी संडे को जो मेजर टेस्ट होता है वो संडे को रहेगा, उसमें फिर ऑर्गेनिक का भी रहेगा। चलो तो ठीक है, देखते हैं अभी आगे हम लोग, तो जो तुम लोगों को ग्रुप में दिया गया बस उतने को ही अच्छे से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है, इसमें एग्जाम्पल से स्टार्ट करता है यहाँ पे हम लोग, एच सी डबल बॉन्ड ओ OCH3। अब यहाँ पे देखना कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे, तो HC डबल बॉन्ड O ये जो आ रहा है यहाँ पे, इधर से नहीं देखना इसमें, ऐसा नहीं कि एल्डिहाइड है, यहाँ पे क्या रहा है C डबल बॉन्ड O OCH3, ये कौन सा ग्रुप आ गया इसमें यहाँ पे, ईस्टर। फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है इसमें, ईस्टर, और इधर CH3 को अल्काइल ग्रुप हो, ये क्या यहाँ पे ईस्टर। अब यहाँ पे इसके नेमिंग से पहले एक नोट लिखना, मैं इसका एक नेमिंग पे आते हैं, एक नोट लिखना, और ये स्टार में यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ग्रुप विच इज कनेक्टेड टू, ग्रुप विच इज कनेक्टेड टू, कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम इज रिटर्न फर्स्ट सेपरेटली, रिटर्न फर्स्ट सेपरेटली, बस एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ईस्टर के नेमिंग में, ग्रुप विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम इज रिटर्न फर्स्ट सेपरेटली। अब इसका मीनिंग क्या यहाँ पे है, तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो कौन सा, ईस्टर, और यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्टेड कौन सा ग्रुप है इस केस में, यहाँ पे है CH3। यहाँ पे जो ईस्टर ग्रुप है यहाँ पे एक ही कार्बन का मेन चेन होगा, यही जो एक कार्बन आ रहा है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड वाला कार्बन ही, इधर और कोई कार्बन होता है यहाँ पे एच के बाद, या एच से कनेक्टेड यहाँ पे सी CH3 टाइप से, तो वो मेन चेन रहता है।
यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एक ही कार्बन पे यहाँ पे मेन चेन है, और जो ग्रुप ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ग्रुप विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एटम, ये ग्रुप ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड आ रहा है, इसको सबसे पहले लिखना है सेपरेटली। इस ग्रुप का नेम क्या है, एज ए ग्रुप नेम, एज ए ग्रुप नेम क्या होगा यहाँ पे, मिथाइल, तो सबको पता है इसमें मिथाइल। अब एक ही कार्बन का मेन चेन है, एक ही कार्बन के मेन चेन में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे मिथ, ये कैसा कंपाउंड है, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, ये भी क्या सेचुरेटेड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, दैट मींस सेचुरेटेड, मिथाइल मिथ सेचुरेटेड है AN, और इसके लिए सफिक्स क्या यहाँ पे है ओएड, मिथाइल मिथेनोइड, इसका ये करेक्ट IUPAC नेम आएगा इस टाइप से। तो सबसे बस एक ही पॉइंट याद रखना कि जो भी स्टर अगर सीनियर ग्रुप है वहां पे जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप होगा लाइक मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी ग्रुप हो उसको सबसे आगे लिखना, इवन सब्स्टिट्यूएंट से भी आगे, तो आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे ग्रुप होगा ऑक्सीजन कनेक्टेड उसको सबसे आगे लिखना, रिटर्न फर्स्ट सेपरेटली उसको अलग से लिखते हैं वहां पे, उसके बीच में स्पेस देंगे बाकी नेम के बीच में। एक एग्जाम्पल और देखोगे और भी क्लियर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आ रहा सी एस थ्री, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव या सी एच टू सी एस थ्री इस टाइप से लिखा हुआ। इस कंपाउंड के नेमिंग की बात करें यहाँ पे, इसको देख लोगे बाकी फिर ट्राई करोगे। यहाँ पर भी देखना था कि ईस्टर फंक्शन ग्रुप पे सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ भी ओ आ रहा है। हाँ ऊपर वाले में मैं एक चीज यहाँ पे ये बता रहा था कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एच सी डबल बॉन्ड है कि एल्डिहाइड क्यों नहीं है, तो एल्डिहाइड तब होता जब यहाँ पे एच सी डबल बॉन्ड इधर को अल्काइल ग्रुप होता लाइक सी एच थ्री होता या इथाइल होता प्रोपाइल होता तब इसको लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, बट यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ के बाद ऑक्सीजन आ रहा है और सी डबल बॉन्ड ओ के बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फिर सी एच थ्री आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ईस्टर। अब यहाँ पर भी अगर इस टाइप से रहा था एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ईस्टर ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कौन सा ग्रुप आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि उस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वहां पर, तो इसका नेमिंग देखते हैं यहाँ पे हम लोग। इसका जो नेम रहेगा यहाँ पे ऑक्सीजन एटम से कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, बिना कुछ सोचे समझे स्टर सीनियर ग्रुप है यहाँ पे एक ही ग्रुप है, तो ऑक्सीजन से जो ग्रुप कनेक्टेड है उसको सबसे आगे लिखना है, इसका नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे इथाइल। अब देखना कि मेन चेन कितने कार्बन का, मेन चेन यहाँ पे दो कार्बन का, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है तो चेन यहीं से इनिशिएट हो या टर्मिनेटिंग ग्रुप बोलते थे, वन टू दो कार्बन का मेन चेन तो इथाइल, और दो कार्बन लिए फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे इथ सेचुरेटेड AN और सफिक्स क्या होता है इसका ओएच, इथाइल इथेनोइड। अब इसका जनरल नेम का जो मैं पैटर्न लिखा था टेबल में वो क्लियर हो रहा होगा, ये क्या था अल्काइल अल्केनोइड, अल्काइल अल्केनोइड का मीनिंग क्या था यहाँ पे है कि अल्काइल ग्रुप जो भी होगा ऑक्सीजन से कनेक्टेड उसको मिथाइल मिथेनोइड इथाइल इथेनोइड, तो जनरल पैटर्न पे आ रहा था यहाँ पे, सही है इसका नेम, ये क्या रहा था यहाँ पे इथाइल इथेनोइड। और भी कुछ एग्जाम्पल देखे हैं कि यहाँ पे हम लोग, अब इसका देखो कुछ कॉमन नेम भी अगर पूछा जाए यहाँ पे, ये तो IUPAC नेम आ गया, अब इसका कॉमन नेम भी अगर कहीं पे लिखा रहे तो कॉमन नेम में भी देखना कि यहाँ पे जो मिथाइल है ये मिथाइल को तो सबसे आगे लिख ही लेंगे हम लोग यहाँ पे, और कॉमन नेम में एक कार्बन के लिए क्या यूज करते थे हम लोग कुछ याद हो बताओ कोई, एक कॉमन नेम में एक कार्बन के लिए कौन सा हम लोग, सही है इसमें सही है सबका लोग चैट में बता रहे हो सही है मिथाइल, तो इसका जो कॉमन नेम होता है मिथाइल फॉर्मेट, ये क्या इसका नेम रहता है मिथाइल, एक ही कार्बन है इसको क्या बोलेंगे लोग सिंपली मिथाइल फॉर्मेट। सेकंड वाले को इसका अगर कॉमन नेम लिखना हो यहाँ पे है इसके कॉमन नेम में क्या रहेगा यहाँ पे, तो इथाइल जो है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड उसको सबसे आगे लिख ही लेना यहाँ पे इथाइल। अब दो कार्बन के लिए कॉमन नेम क्या था एसिड, क्या लिखेंगे एसीटेट इथाइल एसीटेट, सही है कुछ लोग बता रहे हैं इसमें चैट में सही है बिल्कुल इथाइल एसीटेट। अगर इस टाइप से भी लिखा तो इसको ये नहीं सोचना कि ये क्या नाम आ गया, इथाइल एसीटेट इसी कंपाउंड का कॉमन नेम है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम लोग
CH3 CH2 CH CH3 C double bond O OCH3 OCH3 आ रहा है यहाँ पे या फिर इस टाइप से आ रहा हो CH2 CH3 CH3 कोई भी ग्रुप आ रहा है इस कंपाउंड का नेम सोचने का होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लोगे वहां पे कि फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है इस केस में। तो फंक्शनल ग्रुप क्या यहाँ पर भी क्या आ रहा है इस्टर, और इस्टर में जो ऑक्सीजन से ग्रुप कनेक्टेड है वो कौन सा यहाँ पे आ रहा है, प्रोपाइल, मोर स्पेसिफिक क्या बोल रहे इसको, नॉर्मल प्रोपाइल स्टेट चेन है यहाँ पे, इसको सबसे आगे लिख लो यहाँ पे एन प्रोपाइल। अब देखना है कि मेन चेन कितने कार्बन का, मेन चेन जो रहेगा यहाँ पे वन, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा 1 2 3 4, चार कार्बन का मेन चेन। नंबरिंग हमेशा जो इस्टर का ये कार्बन है सी डबल बॉन्ड वाला, इसी कार्बन से स्टार्ट करें हमेशा, क्योंकि ये चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होना है 1 2 3 4। अब जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप था उसको तो सबसे आगे लिख लिया, बाकी अब नॉर्मल नेमिंग। ये मिथाइल क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, किस पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे, तो नॉर्मल प्रोपाइल 2 मिथाइल। अब नॉर्मल नेमिंग करो कर सकते हो यहाँ पे, नॉर्मल प्रोपाइल 2 मिथाइल, चार कार्बन का मेन चेन ब्यूटेन। पोजीशन दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, अंडरस्टूड है किसी को फर्स्ट पोजीशन मिलेगा, पोजीशन देना भी है तो यहाँ पे ब्यूटेन 1 8 कर सकते हो, बट इस केस में मैक्सिमम जो तुम्हें एग्जांपल मिलेगा उसमें पोजीशन दिया हुआ नहीं रहता, सिंपली ब्यूटेन 8, दैट मींस पोजीशन नहीं दे रखा है, दैट मींस इसी को नंबर 1 पोजीशन मिला होगा यहाँ पे, सिंपली लिख सकते हो ब्यूटेन 8। क्लियर है यहाँ तक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो जो ऑक्सीजन कनेक्टेड ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूएंट से भी आगे लिखना है, सबसे आगे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें अब यहां पे देखते हैं, इस केस में सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री ओ सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, अगर नंबरिंग किया हुआ है पीछे तो नंबरिंग कर लो एग्जांपल को, बाकी 1 2 3 आ रहा है देख लो उसमें, और एक एग्जांपल यहाँ पे अब इस टाइप का कुछ आ जाए यहाँ पे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, सेमी एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे ओ सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये दोनों एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर फंक्शन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये कौन सा ग्रुप हो गया इस्टर, और यहाँ पे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ये भी इस्टर है यहाँ पे, यहाँ पे ये इस्टर और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा होता है ये सोच के बताओ यहाँ पे। तो कार्बोक्सिलिक तो सबसे सीनियर, इसमें सोचना क्या है, बाकी ये क्या हो गया, अगर ये सीनियर ग्रुप है ये जूनियर ग्रुप होगा, ध्यान से देखना यहाँ पे। और जब ये सीनियर ग्रुप हो गया इसके लिए सफिक्स, और जो जूनियर ग्रुप हो गया उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, प्रीफिक्स, इसके लिए क्या होगा यहाँ पे प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब इसके लिए दो दो प्रीफिक्स था, क्या क्या प्रीफिक्स था, अल्काऑक्सी कार्बोनिल और दूसरा क्या था अल्केनोइल ऑक्सी, यहाँ पे देखना था। अब देखना कि मेन चेन कौन सा होगा, तो सीनियर ग्रुप है इसको मेन चेन में इंक्लूड करना था, और नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3, तीन ही कार्बन का मेन चेन है, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स एज ए प्रीफिक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये जो सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट है यहाँ पे, तो सी डबल बॉन्ड ओ वाले पार्ट को इंजीनियर बोलते हैं कार्बोनिल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं कार्बोनिल। अब यहाँ पे सी एच थ्री ओ सी डबल बॉन्ड है यहाँ पे, देखो मैं नेम लिख देता हूँ उसके बाद फिर से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, ये थर्ड पोजिशन से कनेक्टेड है यहाँ पे, और इसका जो नेम रहता है यहाँ पे इसको बोलते हैं अल्काऑक्सी कार्बोनिल सी, सॉरी अल्काऑक्सी तो लोग इंजीनियर बोलते हैं यहाँ पे,
अब यहाँ पे देखना है कि ये तो कार्बोनिल आ गया और ये CH3OH, तो वो CH3 को हम लोग क्या बोलते थे नॉर्मल, अगर नेमिंग कहीं पे लिखते थे हम लोग CH3CHOCH3, बस इसको नोट नहीं करना, देखना है ध्यान से OH और CH3। यहाँ पे जब OCH3 कहीं भी होता था, ये इथर है और ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल सीनियर ग्रुप है और OCH3 जूनियर ग्रुप, इसका एज ए प्रीफिक्स नेम क्या होता था OCH3 का, ये कोई एक बताओ यहाँ पे OCH3 का एज ए प्रीफिक्स नेम या एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम? मिथॉक्सी। सही है बिल्कुल, वो क्या था मिथॉक्सी। सही है, कुछ लोग चैट में बता रहे हो सही है मिथॉक्सी। यहाँ पे वही सोचना था कि ये क्या है वो CH3O, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मिथॉक्सी और ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल। और वैसे भी इसका जनरल पैटर्न क्या था, प्रीफिक्स क्या था अल्कॉक्सी कार्बोनिल, तो अल्कॉक्सी तो लोग इन जनरल बोलते थे वहां पे, उसमें ब्रेक नहीं कर रहा हूँ वहां पे, तो क्या रहा था मैं इसका जो प्रीफिक्स था वो क्या था अल्कॉक्सी कार्बोनिल, उसी तरीके से इसका यहाँ पे समझ रहे हैं कि CH3O वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे अल्कॉक्सी और एक ही कार्बन उसको लोग क्या बोलते हैं मिथॉक्सी, तो CH3O को क्या बोला मिथॉक्सी और ये सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल, तो दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलना यहाँ पे मिथॉक्सी कार्बोनिल, इस टाइप से देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसका ये जब पूरा का नेम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब देखना कि मिथॉक्सी कार्बोनिल क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसके लिए एक रूल है यहाँ पे, इसको नोट भी कर सकते थे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी पहले, कि जब भी इस्टर का सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड हो यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट भी लिख लोगे इफ सी डबल बॉन्ड ओ इज कनेक्टेड टू, इफ सी डबल बॉन्ड इज कनेक्टेड टू मेन चेन कार्बन, या मेन चेन लिख सकते हो सिंपली मेन चेन, देन प्रीफिक्स अल्कॉक्सी कार्बोनिल इज यूज्ड, अल्कॉक्सी कार्बोनिल इज यूज्ड। सेकेंड पॉइंट है इसी में, इफ ऑक्सीजन एटम, इफ ऑक्सीजन लिख लोगे आप, इफ ऑक्सीजन इज कनेक्टेड टू मेन चेन देन अल्केनोइल ऑक्सी इज यूज्ड। इसको भी याद रखना है यहाँ पे कि जो हम लोग दो दो प्रीफिक्स था अल्कॉक्सी कार्बोनेट एंड अल्केनोइल ऑक्सी, ये दोनों कब कब यूज होता है, तो अल्कॉक्सी कार्बोनिल तब यूज करेंगे जब मेन चेन के साइड से सी डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड हो यहाँ पे, इस केस में क्या बोलेंगे वो यहाँ पे अल्कॉक्सी कार्बोनिल, अल्कॉक्सी तो जनरल टर्म आ गया, यहाँ पे जितना कार्बन होगा ओ सी एच थ्री आ रहा है, यहाँ पे क्या बोलेंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल, मेन चेन में कितना कार्बन, 3 कार्बन एटम, दैट मीन्स प्रोपेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे इस्टर का एज ए प्रीफिक्स कैसे यूज करें तो हम लोग समझ रहे थे यहाँ पे। अब सेकंड वाले एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर भी मेन चेन कौन सा हो जाएगा हमारा सीनियर ग्रुप इस्टर, ये कार्बोक्लिक एसिड है 1, 2, 3, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करते क्योंकि ये सीनियर ग्रुप है, इसको लोएस्ट पोजिशन देना है और ये पूरा का पूरा एज ए प्रीफिक्स। अब यहाँ पे ये मेन चेन है और मेन चेन के साइड से क्या कनेक्टेड है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डायरेक्टली मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे इस ऑक्सीजन को बोलते हैं इन जनरल ऑक्सी, और यहाँ पे कितना कार्बन था इस साइड इस सब चेन में इस सब्स्टिट्यूएंट्स में 1, 2, 2 कार्बन, और 2 कार्बन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे है, और ये भी मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड था 3rd कार्बन से, और 2 कार्बन के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इथेनोइल, यहाँ पे क्या था अल्केनोइल, तो 2 कार्बन है यहाँ पे क्या लिखेंगे इथेनोइल, एक ही कार्बन होता तो मिथेनोइल, 3 कार्बन होता तो प्रोपेनोइल, इस टाइप से लिखेंगे,
ये तो इथेनॉल हो गया और एक ऑक्सीजन है, ये क्या लिखेंगे ऑक्सी, इथेनॉल ऑक्सी, ये इसका कंप्लीट नेम हो गया एज अ प्रीफिक्स। थर्ड पोजिशन पे मेन चेन के थ्री इथेनॉल ऑक्सी और मेन चेन का फिनिकार्मेटम है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ये दो दो जो प्रीफिक्स था, ये दोनों प्रीफिक्स कब कब यूज करेंगे वो क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, और मैं लिख भी दिया अलग से। जब सी डबल बॉन्ड ओ मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड हो उस टाइम क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फाऑक्सी कार्बोनिल। एंड ऑक्सीजन एटम अगर मेन चेन के कार्बन से कनेक्टेड हो उस केस में अल्केनॉइल ऑक्सी। क्लियर है यहाँ तक? चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, फिर यहाँ पे ये एज ए प्रीफिक्स आएगा वो, इसको जल्दी से नोट डाउन करो यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कब तो कौन सा प्रीफिक्स कब यूज होगा। चलो ठीक है, नोट कर लेते, आगे देखते हैं वो यहाँ पे। अब यहाँ पे इस टाइप का कोई कंपाउंड, ये एग्जांपल फिर से आता है यहाँ पे अभी। अब एक एग्जांपल इस टाइप से कुछ आ रहा होगा यहाँ पे, सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा यहाँ पे? तो देखोगे यहाँ पे एक ही ग्रुप है, ईस्टर या सीनियर ग्रुप है, तो ईस्टर या सीनियर ग्रुप है, तो यहाँ पे जो मेन चेन होगा ये हमारा मेन चेन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है ये ईस्टर ग्रुप। इसका जब नेमिंग करेंगे तो ईस्टर जब भी सीनियर ग्रुप होगा तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो भी ग्रुप होगा उसको सबसे आगे लिखना है सेपरेटली। इथाइल इसको लिख लेंगे, उसके बाद आगे सोचना है। इथाइल मेन चेन का नेम क्या है यहाँ पे? साइक्लोहेक्जेन, तो इथाइल साइक्लोहेक्जेन। अब यहाँ पे देखना है कि जो ईस्टर ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा स्पेशल सफिक्स यूज होगा, और वो क्या था कार्बोक्सिलेट, तो इथाइल साइक्लोहेक्जेन कार्बोक्सिलेट, ये इसका कंप्लीट नेम आ जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलेट। जब भी स्पेशल सफिक्स आ रहा है दैट मींस वो रिंग से कनेक्टेड है डायरेक्टली, इथाइल साइक्लोहेक्जेन कार्बोक्सिलेट। एग्जांपल और देखोगे यहाँ पे बेंजीन वाला केस होगा यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, इस कंपाउंड का नेम ऊपर वाले की तरह सिमिलरली सोच सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, ट्राई करो उसका नेम। मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो सब लोग ट्राई करो, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री सी ओ एच। सो देखते हैं, मैं उसका नेम बताता हूं, सही है सब लोगों का? सही है, इसमें मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, सही है सब लोगों का? यस के आर्या के अनुष्का के सबके सही है, इसमें बहुत ही आसान सा है। ये क्या रहेगा यहाँ पे, तो ईस्टर ही सीनियर ग्रुप है यहाँ पे, और इस केस में क्या होगा ऑक्सीजन से जो ग्रुप कनेक्टेड है दैट मींस मिथाइल, ये क्या होगा यहाँ पे मिथाइल। मेन चेन कौन सा है? बेंजीन, और बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे, तो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। या इसी को शॉर्ट फॉर्म अगर बेंजीन वाला केस है तो इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं वो यहाँ पे, तो सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मिथाइल बेंजोएट, दोनों सही है यहाँ पे, मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट भी सही है, बट इसका दूसरा नेम भी पता हो, इसी को क्या बोलते हैं मिथाइल बेंजोएट, सही है उसमें मिथाइल बेंजोएट, सही है इसमें। इस कंपाउंड का नेम बता सकते हो तो बताओ यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, सोचो यहाँ पे क्या होगा सब लोग। अब यहाँ पर और मैंने रूल बताया हुआ यहाँ पे है कि सी डबल बॉन्ड ओएच है और एक ईस्टर ग्रुप है, दोनों में से सीनियर कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सोचो कुछ यहाँ पे सब लोग, चलो देखते हैं अब यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे देखना है कि सी ओ एच ही सीनियर ग्रुप है, मेन चेन तो रिंग है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, और सर्कल का मतलब क्या वो बेंजीन रिंग ही है, वन टू थ्री
4, 5, 6 स्टेप्स आ रहा है यहाँ पे। अब देखना इस केस में यहाँ पे यहाँ पे मेन चेन रिंग है और मेन चेन के साइड से क्या कनेक्टेड है ऑक्सीजन और मेन चेन के साइड से ऑक्सीजन कनेक्टेड इसका एज ए प्रीफिक्स नेम क्या होगा सही है सब लोगों के इसमें इथेनॉल ऑक्सी बिल्कुल सही है वहां पे ये क्या हो जाएगा इथेनॉल ऑक्सी किस क्वेश्चन में कनेक्टेड है सेकंड क्वेश्चन पे तो इथेनॉल ऑक्सी ये एज ए प्रीफिक्स नेम एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम हो गया इसका यहाँ पे टू इथेनॉल ऑक्सी और बाकी क्या रहेगा इसमें बेंजीन कार्बोक्सिक एसिड बेंजीन कार्बोक्सिक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिक एसिड ना लिख के इसको और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में बेंजोइक सही है बिल्कुल बेंजोइक एसिड ये नेम भी पता हो क्योंकि एग्जाम में अगर ये आ गया तो इथेनॉल ऑक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या सिंपली बेंजोइक एसिड टू इथेनॉल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसका एक नेम और भी रहता है ध्यान से देखोगे तो कहीं भी अगर एक ये आगे काम देगा बेसिकली है कि कहीं भी आर सी डबल बॉन्ड ओ आर यहाँ पे ग्रुप और यहाँ पे कोई फ्री बॉन्ड हो और कैपिटल आर कहीं पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मतलब क्या कोई अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप तो आर है बट आर अगर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अटैच कर दिया जाए और यहाँ पे फ्री बॉन्ड हो तो जो मैंने सर्कल किया हुआ है इस पूरे ग्रुप का नेम होता है एसाइल ग्रुप ए सी वाई एल एसाइल ग्रुप ये याद रखना है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ का नेम क्या होता है एसाइल ग्रुप। अब इस आर के जगह स्पेसिफिक अगर सी एच थ्री रख लिया जाए सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ इस ग्रुप का नेम हो जाता है यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप इसको भी याद रखना है अलग से अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि आर सी डबल बॉन्ड जो मैंने सर्कल किया इसका एज ए ग्रुप नेम क्या होता है एसाइल ग्रुप। अब आर के जगह स्पेसिफिक अगर सी एच थ्री रख लिया जाए तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग क्या बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप इसको इसके नीचे ही नोट कर लोगे यहाँ पे। अब इसको तुम लोग देखते हैं यहाँ पे है। अब इस केस में देखोगे एक कंपाउंड अगर ये आ रहा है यहाँ पे है ओ एच इसका कुछ आ रहा है यहाँ पे ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच अब यहाँ पे बोल रहे हो इस केस में फिनाइल यहाँ पे हम लोग फिनाइल नहीं लिखेंगे इस केस में ये क्या है बेंजीन तो मेन चेन बेंजीन है यहाँ पे तो बेंजीन अगर मेन चेन है उसको ये बेंजीन की मेन चेन है तो उसको बेंजीन लिखेंगे फिनाइल कब लिखते जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स होता है तो फिर उसको हम लोग फिनाइल लिखते हैं वहां पे ये चीजें क्लियर हो यहाँ पे सब लोगों को चलो ठीक है आगे देखते हैं यहाँ पे। अब एक ये कंपाउंड आ रहा है रेंडम सा इसको देख लोगे यहाँ पे अब इसमें यहाँ पे क्या होता है ओएच और सीओएच है इसका आईपीएससी नेम तो सबको पता होगा यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये सीनियर ग्रुप है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या आ जाएगा टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आईपीएससी नेम बट इसका एक कॉमन नेम होता है जो कि तुम लोग अगर बुकलेट देखोगे मैं लास्ट में बताऊंगा अभी तुम लोगों के बुकलेट में कुछ कॉमन नेम दे रखा है तो भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे ओएच और ये सीओएच आ रहा है इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो टू हाइड्रोक्सी बेंजोइट तो इसका आईपीएससी नेम इसका एक कॉमन नेम होता है और इसको बोलते हैं हम लोग सैलिसाइलिक एसिड इसी कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है सैलिसाइलिक एसिड ये भी एक याद रखना था यहाँ पे ये क्या यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड। अब देखोगे यहाँ पे अब इसी सैलिसाइलिक एसिड में इस एच को हटा करके ध्यान से देखना थोड़ा समझना यहाँ पे इस एच को हटा करके इस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री को ऐड कर दिया गया इस कंपाउंड में जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल जिसपे स्टार लगा हुआ है जब इसी एच को हटा करके सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री को प्लेस कर दिया गया यहाँ पे है कैसे होता तो वो रिएक्शन का पार्ट है तो वहां पे समझेंगे लोग ट्वेल्थ में जब रिएक्शन पढ़ते हैं वहां पे मैक्सिमम वहां पे आएगा। अभी सोचना कि इसी एच को हटा के सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री को प्लेस किया गया है इसका एक नेम और हो जाता है तो H को हटा के यहाँ पे COCH3 रखा गया इसका नेम क्या था एसिटाइल
एसिटाइल आ गया, ये इस ग्रुप को क्या बोले एसिटाइल, और ये ओ पूरा क्या था सैलिसाइलिक एसिड, इसको क्या बोले एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एक नेम ये भी होता है इसका एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, तो दोनों नेम पता होना चाहिए, ये इसका एज ए कॉमन नेम होता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। सर हाँ बताओ प्लीज ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना सर। ठीक है, मैं तो सबसे कर देता हूँ एक्सप्लेन। अब यहाँ पे कुछ टर्म याद रखना है जो कि मैंने पहले बता रखा है, आर सी डबल बॉन्ड को इन जनरल क्या बोलते हैं एसाइल ग्रुप, आर के जगह स्पेसिफिक सीएच3 आ जाएगा इसको फिर क्या बोलेंगे एसिटाइल, ये इसको याद रखना है। अब एक कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया हुआ था यहाँ पे कि OHO और COOH, ऐसा अगर कंपाउंड है इसको लोग क्या बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है ये, इसको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कॉमन नेम क्या है सैलिसाइलिक एसिड, और कॉमन नेम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो याद हो जाता है, ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के उसको रट रहे हैं। तुम लोगों को बुकलेट मिल गया होगा हार्ड कॉपी में नोमेनक्लेचर का, सब लोगों को बताओ, कोई एक बताओ। चलो ठीक है, उसमें जो बुकलेट अगर मिल गया वहां पे, उसमें करना यह है कि कुछ उसमें कॉमन नेम का एक लिस्ट दिया हुआ है, टेबल बना हुआ है वहां पे, और उस पे स्टार लगा हुआ है, तो जिस पे भी स्टार लगा हुआ है उसको धीरे धीरे करके आठ दस कर करके डेली दस उसमें देखते रहोगे तो वो याद हो जाएगा। तो आईपीएस नेम तो उसमें जो ब्रैकेट में वो दूसरे टेबल में दिया होगा उसको तो खुद से कर पाओगे रूट अकॉर्डिंग, बट कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम उस पे स्टार लगा हुआ है उसको एक बार खुद से देखोगे और देखते देखते हो फिर वो कॉमन नेम याद हो जाएगा। इस कंपाउंड का यहाँ पे क्या नेम है सैलिसाइलिक एसिड, इस कंपाउंड का कॉमन नेम। अब इसी में से एच को हटा करके यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सीएच3 अटैच कर दिया गया है तभी तो ये कंपाउंड बन पा रहा है यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे एच को हटा करके सीओ सीएच3 को एड किया गया है अब इसका नेम क्या हो जाता है, ये क्या था एसिटाइल और ये क्या था सैलिसाइलिक एसिड, तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इसी कंपाउंड का नेम है यहाँ पर। क्लियर है ये, बाकी थैंक यू सर। अब यहाँ पे देखना है कि इसी कंपाउंड का एक और कॉमन नेम है जो कि और भी ज्यादा फेमस है, एक ये मेडिसिन भी होता है और इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो होता है इसको बोलते हैं एस्पिरिन, जो तुम डेली लाइफ में सुनते भी हो, इसी का नेम क्या है एस्पिरिन। अब यहाँ पे देखना है इसका जो ओएच है सिर्फ सीओएच है वो बेंजोइक एसिड है, तो सीओएच के साथ ओएच आर इस पोजीशन पे होगा सेकंड पोजीशन पे तभी इस कंपाउंड का नेम सैलिसाइलिक एसिड आता है, ये याद रखना है पोजीशन चेंज हो गया ओएच का तो फिर नेम चेंज हो जाएगा, तो सीओएच के एस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे ओएच है तभी इसको सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पे उसी से ये बना हुआ है एसिटाइल, सिर्फ एच को हटा के इसको लाया गया उसी तरह के इसका नेम बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। यहाँ पे तीन तीन नेम है, जेई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया जे एडमोस में भी, इसका ये नेम भी है कैसे आता है, तो उसका मैंने पैटर्न बताया यहाँ पे एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड नेम कैसे आता है, ये तो आईपीएससी नेम है इसका, और कॉमन नेम जो डेली लाइफ में सुनते हो गए एस्पिरिन एज ए पेन किलर, इसी कंपाउंड का क्या नेम है एस्पिरिन एज ए कॉमन नेम, इसको भी याद रखना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में बताओ सर वो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी उसका आईयूपीएसी नेम ही नहीं, ये कॉमन नेम है इसका, कॉमन ये भी कॉमन नेम और ये भी कॉमन नेम की तरह यूज होता है आईयूपीएसी नेम, ये जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो आईयूपीएसी, ये दोनों एज ए कॉमन नेम यूज किया जाता है। चलो ठीक है आगे देखते हैं हम यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था इसलिए प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, नेक्स्ट आगे देखेंगे हम यहाँ पे। अब एक एग्जाम्पल और मैं लेकर के इसको फिनिश करूँ यहाँ पे, इस टाइप का अगर कुछ आ रहा है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा भी चेन दिया रहा है यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं होगा इस केस में ओ एच, सोचो यहाँ पे क्या होगा फिर आगे देखते हैं इसमें। तो
नेम तुम बताओ, मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ तब तक यहाँ पे। सर इसके लिए चलो इसका देख लेते हैं पहले नेम, इसका नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे, सब लोग ट्राई करो इसमें। तो चैट में अगर नहीं भी लिख पा रहे तो मतलब खुद से सोचना है कि अगर प्रॉपर सही लिख पा रहे तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर सोचना है कि क्यों नहीं आ रहा सर, जो बता रहे हैं उसको वो कैसे आ रहा है वहाँ पे, फिर सोचना है वहाँ पे सही है मैक्सिमम ओके। इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार इज सीनियर ग्रुप है यहाँ पे, और स्टार सीनियर ग्रुप है तो मेन चेन यहाँ से स्टार्ट हुआ इस कार्बन पे, 1 2 3 4 5। और अगर स्टार इज सीनियर ग्रुप है तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो भी ग्रुप है उसको सबसे आगे लिखना है, तो क्या रहेगा इथाइल। थर्ड कार्बन पे ओएच ग्रुप एज ए प्रीफिक्स जूनियर ग्रुप है, इथाइल 3-हाइड्रोक्सी। पांच कार्बन का मेन चेन पेंटेन, यही सीनियर ग्रुप, इसके लिए क्या होगा नॉर्मल पेंटेन ओएच, क्लियर है यहाँ पे है। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा इसके लिए, अमाइड सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। इसके लिए जो सफिक्स होता है यहाँ पे, तो नॉर्मल सफिक्स क्या होता है यहाँ पे, अमाइड ही। स्पेशल सफिक्स क्या आता है यहाँ पे, कार्बोक्जामाइड। देखोगे मुझे पता है कि कुछ लोगों को अभी भी याद नहीं है, तो एक बार टेबल याद करोगे। ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की बात करें यहाँ, इसका प्रीफिक्स क्या था कोई एक बताओ। कार्बामोइल। एक दो बार इसमें बोल करके भी याद करो जो कि क्लियर हो जाए यहाँ पे, नेम थोड़ा सा अजीब सा रहा था कुछ का, तो प्रॉपर प्रैक्टिस करती है याद हो जाए कार्बामोइल। और जनरल नेम क्या रहेगा इसका यहाँ पे, अल्केनामाइड। अल्केन में ही हम लोग अमाइड को एड कर देंगे यहाँ पे। इसके भी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। नेक्स्ट एग्जांपल हो इसमें यहाँ पे, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री, कोई भी एग्जाम्पल हो सी डबल बॉन्ड हो एन एच टू। तो फर्स्ट कंपाउंड में देखना यहाँ पे कि एच सी डबल बॉन्ड हो एन एच टू, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइड ना कि एल्डिहाइड। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो एन एच टू है, ये अमाइड है, यहाँ पर भी एल्डिहाइड नहीं है। अब एक ही कार्बन का मेन चेन है यहाँ पे, एक ही कार्बन में क्या रहेगा इसमें, मीथ सेचुरेटेड है तो एन, और इसके लिए सफिक्स क्या है, नॉर्मल सफिक्स अमाइड। इसका नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीथेनामाइड। यहाँ पे क्या होगा सेकंड वाले में, दो कार्बन है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि यही सीनियर ग्रुप है, चेन इनिशिएटिंग है, तो 1 2 दो कार्बन का मेन चेन, इसलिए क्या आ जाता है यहाँ पे इथेनामाइड। क्वेश्चन देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, दे भी सकते हो तो रॉन्ग नहीं होगा यहाँ पे, इथेन वन अमाइड या सिंपली इथेनामाइड, कि इसका आईयूपीएससी नेम आ गया। अब इसका कॉमन नेम भी होता है, तो फर्स्ट वाले का कॉमन नेम क्या बताओ, खुद से सोच के बताओ। एक ही कार्बन में क्या रहेगा, फॉर्मामाइड, फॉर्म में ही अमाइड को ऐड कर दोगे, इसको लोग क्या रीड करेंगे, फॉर्मामाइड। सही है, उस लोग चैट में बता रहा हूं, इसका कॉमन नेम सेकेंड वाले का एसिटामाइड, एसिट में अमाइड को ऐड कर दोगे, दैट मींस एसिटामाइड। सही है, सब लोगों का सही है, इसमें चैट में कुछ लोग बता रहे हो, ये कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटामाइड और ये फॉर्मामाइड। नेक्स्ट एग्जांपल का आईपीएससी नेम, नेक्स्ट एग्जांपल का आईपीएससी नेम देखते हैं, 2-मिथाइल-ब्यूट-2-इन-अमाइड। सही आ रहा है वहां पे है, बहुत ही सिंपल सा, मेन चेन कौन सा होगा, मेन चेन तो सिलेक्ट यही करेंगे हम लोग यहाँ पे, 1 2 3 4
सीनियर ग्रुप कौन सा था, एक ही ग्रुप है अमाइड है यहाँ पे, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होता, 1 2 3 4 इस टाइप से कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे। इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल 4 कार्बन का मेन चेन, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सिंपली अमाइड लिख सकते हो यहाँ पे, ब्यूट टू इन अमाइड, क्लियर है यहाँ पे। सही है, सब लोगों का सही आ रहा है इसमें आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये जो अमाइड आ रहा है ये यहाँ पे, ये कितने डिग्री का अमाइड है? NH2, C डबल बॉन्ड हो NH2, ये हम लोग सेकंड लेक्चर में ही पढ़े थे ऐसा, अमाइड का डिग्री। सही है, ये क्या यहाँ पे 1 डिग्री अमाइड आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड है, और नाइट्रोजन से अगर एक ही कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, इसका नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राइमरी 1 डिग्री अमाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे है। आई होप जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ ये स्ट्रक्चर, उसको ड्रॉ कर लेना, उसके बाद फिर नोट खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो फिर कॉपी करना बोर्ड पर। नेक्स्ट है इसमें, बताओ थर्ड वाले में क्या दिक्कत है, फिर से बताओ। थर्ड का भी कोई कॉमन नेम नहीं, कॉमन नेम इसका नहीं होता है यहाँ पे, कॉमन नेम कुछ लिमिटेड कंपाउंड का ही है, उसी को याद रखना है, फॉर्मामाइड एसीटामाइड इसी टाइप का, इसका कोई कॉमन नेम है नहीं है, बट जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका हम लोग IUPAC नेम लिख पाएंगे रूल के अकॉर्डिंग, कॉमन नेम सबका नहीं होता है। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट अब कुछ एग्जांपल अगर इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे, HC डबल बॉन्ड O N H और CH3 का आ रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल में और ले लेता हूँ, HC डबल बॉन्ड O N CH3 CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो यहाँ पे CH3 CH2, C डबल बॉन्ड O N CH3 C2H5। अब इस कंपाउंड का तो जैसा मैंने अमाइन के केस में देखा था स्टार्टिंग में, कुछ याद हो अगर तुम लोगों को, जैसा अमाइन के केस में देखा था वैसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पे रहता है। यहाँ पे इस कंपाउंड का अगर नेम देखते हैं हम लोग फर्स्ट का, सही है, कुछ बता रहे हो आ रही है एन मिथाइल मिथेनामाइड, सही, इसी टाइप का नेमिंग यहाँ पे करते हैं हम लोग इस केस में। यहाँ पे क्या रहा है, एन से कनेक्टेड ग्रुप का CH3, जब भी 2 डिग्री, यहाँ पे अमाइड का डिग्री क्या हो गया 2 डिग्री, क्योंकि इस एन से अब दो दो कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, ये क्या हो गया 2 डिग्री अमाइड, और जब भी 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइड हो वहां पर लोग एन के टर्म में लिखते हैं, तो एन से कनेक्टेड ग्रुप कौन सा यहाँ पे, मिथाइल, ये क्या होगा एन मिथाइल, और एक ही कार्बन का मेन चेन है यहाँ पे 1 2, एन मिथाइल मिथेनामाइड, सही है बिल्कुल, यहाँ पे एन मिथाइल मिथेनामाइड। सिमिलरली सेकंड की बात करें यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे एन से कनेक्टेड है दो दो मिथाइल ग्रुप, और ये ओवरऑल कौन सा था, अमाइड, एल्डिहाइड नहीं है यहाँ पर भी, और एक ही कार्बन का अमाइड है, ये मेन चेन एक ही कार्बन का है, तो एन से कनेक्टेड दो दो मिथाइल ग्रुप है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग एन के टर्म में ही, एन कोमा एन डायमिथाइल, जैसा कि लोग अमाइन के केस में बोलते थे एन कोमा एन डायमिथाइल, एक ही कार्बन का मेन चेन है मिथेनामाइड। अब सेकेंड वाले कंपाउंड का एक कॉमन नेम भी जनरली काफी फेमस होता है, उस पर लिखोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रहता है, इसका कॉमन नेम क्या लिखोगे, एन कॉमा एन डायमिथाइल, और एक ही कार्बन का मेन चेन है यहाँ पे, उसके लिए क्या होगा कॉमन नेम है एन कॉमा एन डायमिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे, एन कॉमा एन डायमिथाइल फॉर्मामाइड। अब इसी कंपाउंड का कॉमन नेम या इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है DMF,
इसी कंपाउंड को शॉर्ट में डीएमएफ भी बोला जाता है, जो कि आगे जब पढ़ेंगे तो एक इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, जो आगे का पार्ट है। बट अगर डीएमएफ कहीं लिखा हुआ है किसी कंपाउंड का कॉमन नेम है, डीएमएफ ही याद रखना। थर्ड पे आते हैं लोग। सर बताओ सर, जो सेकंड एग्जांपल है उसमें वो 3 डिग्री बिल्कुल, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एन से कनेक्टेड तीन तीन कार्बन आ रहा है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, 3 डिग्री अमाइड, ये बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग। और बताओ कुछ डाउट है इसमें। हाँ बताओ सर, फिर वो ऐसे क्यों लिखा है एन एन डाइमिथाइल, वो तो 3 डिग्री से कनेक्टेड तो इथाइल हो सकता है ना। नहीं, इथाइल कैसे लिखोगे यहाँ पे है, यहाँ पे एन से अलग अलग, यहाँ पे इसी एन से एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड और ये इसी से एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड आ रहा है, तो दो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, जिसको इथाइल के इथाइल लिखोगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि एक ही, अगर इथाइल लिखोगे तो फिर इस टाइप का हो जाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी टू एच फाइव, तो ये इथाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप है, ये दैट मीन्स ये 3 डिग्री अमाइड आ रहा है यहाँ पे, सी टू एच फाइव इथाइल लिख दोगे तो वो फिर इस टाइप का आ जाएगा, फिर वो 2 डिग्री अमाइड बन जाएगा, 3 डिग्री रह ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 3 डिग्री रखना भी है उसको, और दो मिथाइल ग्रुप को अलग से इंडिकेट भी करना है, दैट मीन वो लिख रहे हैं एन कोमा एन, दोनों मिथाइल ग्रुप एन से कनेक्टेड है, एन कोमा एन डाइमिथाइल मिथेनामाइड, इस टाइप से इसका नेम आ पाएगा यहाँ पर, ये 3 डिग्री अमाइड है। इवन ये जो लास्ट एग्जाम्पल है ये भी 3 डिग्री अमाइड है, इसका नेम बताओ क्या रहेगा कुछ से? तो बहुत लोगों का नेम आया हुआ है, सही है सब लोगों का, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामाइड, सबका सही है। तो अमाइन में उन्होंने डिटेल में पढ़ रखे थे, तो अमाइन के जैसा यहाँ पे है, तो एन से कनेक्टेड इथाइल एन मिथाइल, अब यहाँ पे अलग अलग लिखना था, यहाँ पे एन इथाइल एन मिथाइल, तीन कार्बन का मेन चेन प्रोपेनामाइड, सही है सब लोगों का इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं लोग, यहाँ पे अगर डिग्री चेंज हो इस टाइप से हम लोग वहां पे इसका अमाइन की तरह ही अमाइन का भी नेमिंग कर पाते हैं लोग यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर रिंग से कनेक्टेड कर दिया जाए यहाँ पे इसको, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इस कंपाउंड का नेम देखने क्या होगा यहाँ पे, खुद से ट्राई करो, अमाइड अमाइड ग्रुप है डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड, इसका नेम रहेगा उसका। नेक्स्ट अगर कुछ इस टाइप का एक एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच थ्री, देखो क्या रहेगा यहाँ पे, एक एग्जांपल में और ले लेता हूँ यहाँ पे, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, सही आ रहा है, बेंजीन वन कार्बोक्सामाइड या सिंपली बेंजीन कार्बोक्सामाइड, इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे, सही है, ये तो सब लोगों को पता है, लोग बहुत सारे एग्जांपल कर चुके हैं, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, तो इसन वन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है वन वही रहेगा, बाकी दे भी रहे तो गलत नहीं है, तो इसी को शॉर्ट में बोला जाता है बेंजामाइड, बेंजामाइड, तो बेंजीन कार्बोक्सामाइड या शॉर्ट में बेंजामाइड। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखना है, इसको मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है, इसको ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ये भी अमाइड ग्रुप है और ये भी अमाइड ग्रुप है और एक कार्बन कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे, इसमें जो मेन चेन होता है यहाँ पे ये तीन कार्बन का एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, सी ओ एन एच टू, ये वन टू और ये थ्री, तीन कार्बन का मेन चेन, और यहाँ पे एन से कनेक्टेड मिथाइल है और यहाँ भी एन से कनेक्टेड मिथाइल है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे देख लो, नेम मैं लिख देता हूँ उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एन कोमा एन डाइस डाइमिथाइल, एन कोमा एन डाइस
डायमिथाइल प्रोपेन 1.3 डाइअमाइड N, N डाइस डायमिथाइल प्रोपेन तीन कार्बन का मेन चेन इसलिए क्या रहा है प्रोपेन वन और थर्ड पोजिशन का अमाइड ग्रुप है प्रोपेन 1.3 डाइअमाइड। अब यहाँ पे N, N डाइस को ले रहे हैं तो N डाइस लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे वो दोनों अलग अलग N से कनेक्टेड है, एक ही N से दोनों मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ एक को N और एक को N डैश लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि क्लियरली पता चल सके कि दोनों मिथाइल ग्रुप अलग अलग नाइट्रोजन एटम से कनेक्टेड है यहाँ पे। N कॉमा N डैश दो मिथाइल ग्रुप आ रहा है डायमिथाइल प्रोपेन तीन कार्बन का मेन चेन था 1.3 कार्बन का अमाइड ग्रुप आ रहा था दैट इज 1.3 डायअमाइड। क्लियर है यहाँ पे सब लोगों को सर? हाँ बताओ। जो ऊपर का एग्जांपल था सर उसमें जो साइक्लिक था वो ही मेन चेन था ना? बिल्कुल यहाँ पे बेंजीन ही मेन चेन आ रहा है यहाँ पे, यही मेन चेन है तभी तुम बेंजीन लिख पा रहा है यहाँ पे, और बेंजीन अगर मेन चेन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट जो कि इस एग्जांपल में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका सोचो क्या नेम रहेगा यहाँ पे। एन फिनाइल इथेनामाइड सही है बिल्कुल वहां पे कौशल पे, यहाँ पे क्या रहेगा ये भी अमाइड फंक्शनल ग्रुप है 2° आ रहा है यहाँ पे है। अब एन से कनेक्टेड जो भी ग्रुप हो उसको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे एन के टर्म में, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले रहा है मेन चेन यहाँ पे ये दो कार्बन का आ रहा है ये अमाइड ग्रुप यहाँ पे, तो अमाइड ग्रुप हो तो वहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड ओ का कार्बन है वो मेन चेन रहेगा 1, 2 दो कार्बन का मेन चेन, और एन से कनेक्टेड ग्रुप का यहाँ पे है तो एन फिनाइल दो कार्बन का मेन चेन इथेनामाइड। क्लियर है यहाँ पे एन फिनाइल इथेनामाइड दो कार्बन का मेन चेन है यहाँ पे। चलो एक लास्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं एनहाइड्राइड पे। लास्ट एग्जांपल कर लिया तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसा नेमिंग नहीं करते हैं, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जैसा करने की जरूरत नहीं होता यहाँ पे, ये जो सब्स्टिट्यूएंट था नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट से इसको हम लोग पूरे को क्या बोलते हैं यहाँ पे फिनाइल बेंजीन को, नॉर्मल को क्या लिख देंगे फिनाइल यहाँ पे सर उसको नहीं वो लास्ट नीचे वाले का ये सेकंड वाले का, इसमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये 1, 2, 3 आ रहा है ये तो मेन चेन ही मेरा हो गया इसमें यहाँ पे है। अब ये जो N से कनेक्टेड है ये भी मिथाइल है और N से कनेक्टेड ये भी मिथाइल है, तो दोनों को हम मेंशन कर दे रहे हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, और दोनों मिथाइल किससे कनेक्टेड है N से, तो N कॉमा N डायमिथाइल जिससे कि N डैश में इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे दो अलग अलग नाइट्रोजन कनेक्टेड है, तो उसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि सिंपली मिथाइल है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो सिंपल ही लिखेंगे उसको यहाँ पे। तो ठीक है आगे देखते हैं फिर हम लोग एक लास्ट एग्जांपल इसमें अमाइड में, एक एग्जांपल अगर इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसमें, और तो अगर इसका एक आईपीएस नेम देख सकते हो करेक्ट ट्राई करके देखो इसमें क्या रहेगा OH NH C डबल बॉन्ड O CH3 जैसा मैंने एक एग्जांपल पीछे लिया हुआ था उसी टाइप का यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये ट्राई करो यहाँ पर, यहाँ पर भी अमाइड ग्रुप है और अमाइड ग्रुप जो आ रहा है 2° अमाइड आ रहा है तो मेन चेन तो ये हो जाएगा 1, 2 एन से कनेक्टेड ये सब्स्टिट्यूएंट से पूरा, इसका ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या रहेगा यहाँ पर अब देखो यहाँ पे क्या होता है, तो एन से कनेक्टेड ये जो OH है तो एन के रेस्पेक्ट में किस पोजिशन पे आ रहा है ये जो अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पे ये 1 या 1 डैश 2, 3, 4 इस N के रेस्पेक्ट में ये फोर्थ पोजिशन पे OH ग्रुप आ रहा है
उसको नेम बता पा रहा हूँ, एन हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड, सही है बिल्कुल वहां पे, एन फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड बिल्कुल करेक्ट है। एन के टर्म में लिखना था और ये सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होगा, फोर्थ पोजिशन पे ओएच ग्रुप है तो एन फोर हाइड्रोक्सी से जा रहा था आर्या के, एन हाइड्रोक्सी फिनाइल, ये क्या था फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल एन से कनेक्टेड था वो, एन फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड, दो कार्बन का मेन चेन। ये कंपाउंड मैंने इसलिए लिया हुआ क्योंकि इसका कॉमन नेम, इसी कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है इसी को बोलते हैं, जो आजकल काफी फेमस भी है, पैरासीटामोल। आज मैंने दो दो इम्पोर्टेंट मेडिसिन के कंपाउंड देखे हम लोग, एक आ रहा था एस्पिरिन और एक इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, पैरासीटामोल। बाकी आईपीएस ने हम लोग रूल के अकॉर्डिंग लिख पा रहे हैं यहाँ पर। क्लियर यहाँ पे सबको यहाँ तक? नेक्स्ट है इसमें एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, लास्ट फंक्शन ग्रुप आ रहा है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। इसके लिए अगर टेबल ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो मैं सब क्लियर ड्रॉ किया इसको, आपके में भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से। इसके लिए फंक्शन ग्रुप क्या आ रहा था यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ। इसके लिए जो सफिक्स था वो सफिक्स क्या रहा था, नॉर्मल सफिक्स जो था ओइक एनहाइड्राइड, और स्पेशल सफिक्स था इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसके लिए प्रीफिक्स क्या था कुछ याद हो, या कुछ था ही नहीं? इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं था, सही है। अब इसका जनरल नेम जो होगा, तो जनरल नेम में क्या करते हैं, अल्केन में वीक एनहाइड्राइड को ऐड कर देंगे, दैट मींस अल्केनोइक एनहाइड्राइड, अल्केनोइक एनहाइड्राइड। इसका नेमिंग करते हैं, तो टेबल ड्रॉ करने का एक ही पर्पस है, ये सब लोगों को याद हो जाए, या जब भी इसको स्टार्ट करो रिवीजन करना तो सबसे पहले सफिक्स और प्रीफिक्स सामने दिखे। इसका एग्जांपल देखना अभी यहाँ पर, अब इसके एग्जांपल से पहले कुछ चीजें ध्यान से देखोगे यहाँ पर, एच सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ। अब देखोगे इसमें लोग सोचते होंगे कि सर जब स्टार्ट करते हैं पढ़ाना तो सिर्फ पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि इसमें एग्जांपल मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी वैरायटी के एग्जांपल्स हैं वो सारे एग्जांपल मैं कवर करूँ यहाँ पे, बाकी तुम लोग इतने खुद मोटिवेटेड रहो कि कुछ इसका एज ए प्रीफिक्स ये वैसा कभी रहता ही नहीं है, कुछ और बोल रहे हो उसका यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका सर ये अगर जूनियर ग्रुप होगा तो ऐसा कभी रहता है नहीं, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं होता यहाँ पे। आईपीएससी ने कुछ सोच समझ के ही इसका प्रीफिक्स जब आईपीएससी ने नहीं दिया है तो हम अपने मन से कुछ बना नहीं सकते यहाँ पे, इसका कोई भी प्रीफिक्स आईपीएससी ने नहीं दिया है, ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं है वहाँ पे जो कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट हो वहाँ पे, इसको अलग से फिर ज्यादा इसके लिए ऐसा कुछ कंपाउंड अपने मन से बनाना भी नहीं है, ऐसा कोई कंपाउंड आता ही नहीं है। मैं यहाँ पे ये बता रहा था इसमें जो भी मैं एग्जांपल लेता हूँ इसमें तो कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल, जो कि जितने भी वैरायटी क्वेश्चन आए तुम लोग के एग्जाम में या जब भी फाइनल पेपर हो, इतना जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल, जिस तुम्हारा जो भी एग्जाम है चाहे जेई एडवांस मेंस के बी पी वाई जो कि तुम लोग को देना भी है इस बार नवम्बर में एग्जाम होता है उसका, उस टाइम तक तुम्हारा ऑलमोस्ट सिलेबस
पूरा हो चुका होगा तो उस टाइम दे भी सकते हो। कोई भी एग्जाम में उसका हम लोग एग्जाम में ये एग्जाम्पल कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी एग्जाम को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो तुम लोग। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग मेन से एडवांस, कोई भी एग्जाम हो, इवन ओलम्पियाड वाला जो कुछ पार्ट है ओलम्पियाड लेवल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, बट जितना मैं बेसिक चीज बता दे रहा हूँ तो उसके भी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं अपन लोग। इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाँ बताओ सर, आपने वो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट का क्या बताया तो प्लीज फिर से बताओ ना, स्टार्टिंग में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड मैं यार ये टेबल तो मैंने स्टार्टिंग में ड्रॉ कर रखा है, दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड ये जब डायरेक्टली स्पेशल सफिक्स कब यूज होता है, जब डायरेक्टली वो रिंग से कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल में ये चीजें आ जाएगा खुद से, इसको अभी कुछ मैंने बताई नहीं यहाँ पे, मैंने तो पीछे का चीज यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। अभी एग्जांपल देखना यहाँ पे, अब क्या होगा इसके, इसमें एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, और एक लास्ट एग्जांपल में यहीं पे ऐड कर देता हूँ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री। अब यहाँ पर अगर देखोगे इस केस में बिल्कुल वहां पे मैं बता रहा हूँ तो अगर ऐसा कंपाउंड आता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऐसा कोई कंपाउंड आता ही नहीं जो कि ये जूनियर ग्रुप के उसमें ये सी एच ये ग्रुप कभी दिया हुआ ही नहीं रहेगा वहां पे, ये सी एच और ये एनहाइड्राइड साथ में कभी आएगा ही नहीं वहां पे, दैट मीन इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ऐसा कंपाउंड आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो एनहाइड्राइड आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे यहाँ पे सब लोग, ये जो एनहाइड्राइड है इस ऑक्सीजन के अलावा इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इस ऑक्सीजन के अलावा इधर भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, ऐसे एनहाइड्राइड को क्या बोलेंगे हम लोग, पहले भी मैंने बताया हुआ है सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, और नीचे का जो दो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है इस साइड इस ऑक्सीजन के अलावा इधर एक ही कार्बन, इधर दो कार्बन, इधर इस ऑक्सीजन के अलावा इधर दो कार्बन, इधर तीन कार्बन, ये क्या है खुद से लिख लो, यहाँ पे जगह नहीं है, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। इस ऑक्सीजन के अलावा दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है तो सिमेट्रिकल, और अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन दैट मीन्स अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अब इसके नेमिंग पे आते हैं अपन लोग, अब जो जब दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो तो किसी एक साइड का ही नेमिंग यहाँ पे करते हैं और वो कंप्लीट नेम हो जाता है, दैट मीन्स एक ही कार्बन का मेन चेन यहाँ पे होगा और इसका कंप्लीट नेम क्या रहता है मिथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या रहता नेम इसका मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे दो कार्बन इसका दोनों कार्बन दोनों साइड से नहीं करेंगे, जब भी सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होगा किसी एक ही साइड के कार्बन को देखना है और एक कार्बन का ही मेन चेन क्या हो जाएगा मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका कंप्लीट नेम है। सिमिलरली नीचे वाले का दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लो, ये चारों एग्जाम्पल देख लो फिर डाउट रहेगा मैं बताऊंगा फिर बाद में। यहाँ पे क्या है इधर भी दो कार्बन इधर भी दो कार्बन, किसी एक ही साइड का कार्बन को देखना था इसका नेम क्या जाता है यहाँ पे इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब इस थर्ड एग्जांपल में इधर एक कार्बन इधर दो कार्बन, यहाँ पे जब अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन का एनहाइड्राइड है तो दोनों साइड का नेमिंग करेंगे, इसका नेम क्या है इथेनोइक दो कार्बन का और इधर एक ही कार्बन का मिथेनोइक, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, और सिमिलरली नीचे वाले का भी क्या है अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक, जब अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन का एनहाइड्राइड हो तो दोनों साइड का नेमिंग करेंगे इथेनोइक तीन कार्बन का इधर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इस चारों एग्जांपल में किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो यहाँ पे, बाकी क्लियर हो गया होगा यहाँ पे सही है। यहाँ पे है इक्वल में किसी एक साइड का ही कार्बन को देखना था मिथेनोइक एनहाइड्राइड इथेनोइक एनहाइड्राइड,
बट अनइक्वल हो तो दोनों साइड का करेंगे, और अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो इथेनोइड को पहले लिखना और एम को बाद में, यहाँ भी ई को पहले लिखें और पी को बाद में। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं जिसनों का सेकंड क्लास भी। हाँ बताओ सर, इसको नंबरिंग नहीं करते? नहीं, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे नंबरिंग करोगे यहाँ पे इस साइड का अलग से करेंगे और इस साइड का अलग से करेंगे यहाँ पे, बट इस टाइप का कार्बन चेन बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में रहता नहीं है, बट कार्बन चेन अगर आता भी है इस साइड को अलग से करेंगे और इस साइड को अलग से करेंगे, और इक्वल नंबर का होगा किसी एक ही साइड का करेंगे वहां पर। यहाँ पे वो नंबरिंग कर पा रहे हैं, वन टू थ्री है तभी तो वो मेन चेन ले रहे हैं तीन कार्बन का यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें कर लियो, नोट डाउन कर लो, बस दो एग्जाम्पल और देखना यहाँ पर। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग। सही है, एसिड एनहाइड्राइड बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं आता यहाँ पे, सही है, क्योंकि इसका जब प्रीफिक्स भी यूज नहीं होता है तो सिर्फ सफिक्स की तरह यूज होता है, यही जनरली यही सीनियर ग्रुप की तरह ट्रीट होगा, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा एग्जाम्पल। फिर भी एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे हम लोग, तो ठीक है आगे देखेंगे, नोट कर लिया यहाँ तक। अब यहाँ पे डाई क्यों नहीं लिखते, इसका रोल ये यहाँ पे जब सिमेट्रिकल है यहाँ पे डायरेक्टली की जरूरत नहीं है, किसी एक ही साइड का करते हैं तो सिर्फ मिथेनोइक एनहाइड्राइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इधर भी एक कार्बन होगा इधर भी एक ही कार्बन होगा, यहाँ पे डाई लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डाई कब लिखेंगे तो आगे देखेंगे, अभी यहाँ पे एक ही एनहाइड्राइड है यहाँ पे तो डाई नहीं लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें C डबल बॉन्ड हो, एक ये कंपाउंड हो और एक ये कंपाउंड में यहां पे लिख दूंगा C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, ये दो कंपाउंड का नेम यहाँ पर। तो सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड के नेम की बात करेंगे, यहाँ पे देखोगे ध्यान से यहाँ पे जो साइक्लोप्रोपेन रिंग आ रहा है उसी से सी डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, और ये किस टाइप का एनहाइड्राइड है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? ये सिमेट्रिकल है, सही है सब लोगों का, ये क्या है सिमेट्रिकल, कंपाउंड देखकर कर बता पा रहे हो यहाँ पे ये क्या है सिमेट्रिकल, और जब जब सिमेट्रिकल है किसी एक ही साइड का नेमिंग करेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स इस साइड को देख लो मिल लें यहाँ पे, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे वो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। अब यहाँ पे जो साइक्लोप्रोपेन है इसके लिए पीछे देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वो कॉपी में लिखा होगा, तो क्या रहेगा साइक्लोप्रोपेन और डायरेक्टली यहाँ पे रिंग से कनेक्टेड दिए, क्या रहेगा स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये ध्यान देना है साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, क्योंकि सिमेट्रिकल मैंने एक ही साइड को देखा है यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। लास्ट वाले कंपाउंड का नेम देखना है यहाँ पर, लास्ट वाले कंपाउंड में देखना है कि यहाँ पर भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये, इसका मैं पहले नेम लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, ये क्या रहता है बेंजीन 1.2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड बेंजीन 1.2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे एक बार, ये बेंजीन रिंग ही मेन चेन है यहाँ पे, और ये वन और ये टू, या इसको वन और इसको टू दो तो बेंजीन आ गया बेंजीन 1.2। अब ये देखना है कि डाई कार्बोक्सिलिक मेनली क्या है, रिंग से कनेक्टेड थी, ये कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड है, बट इसी रिंग के फर्स्ट कार्बन से भी आ रहा है और सेकेंड कार्बन से भी आ रहा है, ये क्या आ गया यहाँ पे बेंजीन 1.2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। तो एक ही एनहाइड्राइड
इस बेंजीन के दो पोजीशन कनेक्टेड आ रहा है, फर्स्ट से भी और सेकंड से भी, दैट मींस यहां पर वो डाइवर्ट यूज कर रहे हैं, बेंजीन 1-2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ये कोई अलग रिंग नहीं है, रिंग एक ही है बेंजीन का यहाँ पे, ये तो रिंग का फॉर्मेशन हो गया है, दो कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे इस टाइप का। तो बेंजीन 1-2 डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड एक स्पेशल कंपाउंड है, और इसका एक कॉमन नेम भी होता है जो कि याद रखना है, इसको बोलते हैं लोग थैलिक एनहाइड्राइड। तीन साइलेंट रहेगा, इसको क्या रीड करेंगे यहाँ पे, थैलिक एनहाइड्राइड। ये लास्ट एग्जांपल था यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक कुछ डाउट हो कि नहीं तो बता सकते हो आज के लेक्चर में सर। हाँ बताओ सर, हमने एक रूल देखा था कि अगर जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें ऐसे कंपाउंड आए गए तो फिर वो जो रिंग होगा वो रिंग नहीं, नहीं वो, मैं समझ गया तुम्हारा डाउट क्या है। वो एग्जांपल, तुम इस एग्जांपल की बात कर रहे हो यहाँ पे, वहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा था, वहाँ पे क्या था, सिर्फ इस टाइप का साइड चेन ही था वहाँ पे, इस टाइप के एग्जांपल की बात कर रहे थे। यहाँ पे जो था कि कोई एनहाइड्राइड नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ ये कार्बन चेन है। तो जब यहाँ पे दो एलिफेटिक रिंग या कोई भी रिंग, दो रिंग अगर कनेक्टेड हो एक सिंगल चेन से, वो अलग नेमिंग था वहां पे, तो उसमें कोई फंक्शन ग्रुप नहीं आ रहा था। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप एनहाइड्राइड प्रेजेंट है, तो एनहाइड्राइड मुझे इसके रिस्पेक्ट में नेम लिखना नहीं था, ये तो अलग पैटर्न था वहां पे, उसको इससे कंपेयर नहीं करना। यहाँ पर ये एनहाइड्राइड है, और एनहाइड्राइड यहाँ पे इस टाइप का मुझे साइक्लोप्रोपेन है, एनहाइड्राइड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट मींस कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, और सिमेट्रिकल है किसी एक ही टाइप एक ही साइड को देखना है यहाँ पर, ये कंपैरिजन नहीं करना है तुम्हें। थैंक यू सर। ओके क्लियर है, और किसी को कुछ डाउट यहाँ तक के आज के पूरे लेक्चर में? चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में, एक लेक्चर और लगेगा पूरा नोमेनक्लेचर फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में वो एरोमेटिक कंपाउंड्स का नेमिंग करेंगे, और कुछ बाइसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड्स का नेमिंग रहता है जो कि तुम्हारे बुकलेट में तो नहीं है, कुछ डिक्स में दे रखा है, उसको लोग देख लेंगे वहाँ पर। तो तुम लोगों का जो होमवर्क है, आज मैं होमवर्क देता हूँ तुम लोगों को प्रॉपर, क्योंकि तो अभी तक तो होमवर्क मिल नहीं रहा था तुम लोगों का, बस एक मिनट वेट कर लोगे तो मैं शीट देख लूँ तुम लोगों का, तो होमवर्क क्या क्या कर सकते तुम लोग इसमें। हाँ बताओ सर, वो सेकंड एग्जांपल में वो 1 और 2 है या 1 ही 3 है, वो डायग्राम में 1 और 3 नहीं, 1 और 2 है ये, यहाँ पर मैंने लिखा भी है 1 2, दैट मींस वो इस कार्बन को फर्स्ट दे रहे थे या सेकंड ही होगा, या इसको 1 या इसको 2, किसी को 1 2 कर सकते हैं, तो 1 2 पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे वहां पे आईपीएस नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक नाइट्राइड, तुम लोगों का जो होमवर्क है वो सेक्शन ई तक कर लोगे तुम लोग, सेक्शन सी डी और ई, तो सी तो पहले ये भी हो गए, तो डी भी कर चुके हो गए, सेक्शन ई एक नया यहाँ पे एड हो गया है। एक मिनट, एक्सरसाइज 2 भी तुम लोग करना शुरू कर सकते हो इसमें यहाँ पे, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में अप टू सेक्शन ई तक, और एक्सरसाइज 2 जो कि एडवांस का एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 1 में तुम लोग क्वेश्चन कर लोगे वहां तक अप टू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। डॉक्टर साहब कल ही नेक्स्ट लेक्चर है, कल के लेक्चर के बाद तो फिर पूरा ही नोमेनक्लेचर कर पाओगे, इसमें बस इतना ही होमवर्क है, एक्सरसाइज 2 का भी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो। अगेन तो ठीक है, बताया मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ई, और एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 2, इतना करो, बाकी कल भी क्लास है, कल और होमवर्क पूरा मिल पाएगा तुम्हें। बाकी टेस्ट का मैंने बताया कि जो फ्राइडे का टेस्ट है उसमें ऑर्गेनिक का पोर्शन नहीं आ रहा है, उसका रीजन ये है दोनों का
एक न्यू जे बैच है और तुम्हारा वो कंबाइंड पोर्शन है, तो कोशिश करो तुम लोग कि जो नए बच्चे हैं, मतलब नए बच्चे वो पूरा पढ़े नहीं है अभी, तुम लोग प्रॉपर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हो, तो सब लोग जो न्यू जे हैं, तुम लोग जितने भी 15 यहाँ पे बैठे हो, सब लोगों के उन लोगों से ज्यादा मार्क्स हैं, तो प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे जो भी सिलेबस अपडेट किया गया ग्रुप पे। चलो ठीक है, तुम लोगों का सेकंड क्लास भी है, तुम्हें लेक्चर अभी यहीं पे सेशन एंड करता हूँ अभी, बाकी कल के लेक्चर में देखते हैं।